और ये महिला रेसलर्स है, कोई आम इंसान नहीं है कि पैसे में बिक जाएंगे, किसी के पार्टी को आके सपोर्ट करोगे। क्या उनके माँ बहनों को पैसा कोई देगा तो वो अपने माँ बहनों को ला के अपनी इज्जत उतरवाएंगे यहाँ पे? और किसी महिला के मेंटेलिटी पे क्या बिजती होंगी? मन की बात में ना उन्होंने पहलवान की बात करी, ना इन बेटियों के सम्मान की बात की। ईडी सीबीआई उनके घर पे क्यों नहीं छापा मार रही? सारे क्या सारे दूध से धुले हुए हैं, और जितने भी पार्टी विपक्ष के लोग हैं सारे वो रेपिस्ट। इससे गंदे दिन नहीं आ सकते हैं इस देश के, मैं आपसे कहता हूँ। ये विश्व गुरु का, ये जो विश्व गुरु है, ये कौन से कॉलेज में इसकी एग्जाम देनी पड़ती है ये तो हमें बताओ। जब वहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा था तो देश की मीडिया कहाँ थी? उसके घुटने से ऊपर की उसकी पैंट फटी हुई थी। रात को 1:30 बजे दिल्ली पुलिस वालों ने उसको सुनसान रोड पे छोड़ दिया। उसके साथ कुछ हो जाता तो मोदी चोर है। उसकी तो सांसद ही रद्द करवा दी, उससे उसका घर छीन लिया और इसके ऊपर पोस्को लग गई। इनकलाब, ये वो नारा है जिसने हमें ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी दिलाई, और आज ये नारा जो लग रहा है ना महिलाओं के न्याय के लिए लग रहा है। ये यहाँ पे हर छात्र, हर किसान, हर युवा यहाँ पे इनकलाब का नारा देगा और बेटी को यानी देश की पहलवान को न्याय दिला के रहेगा। लेकिन एफआईआर तो हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, तो गिरफ्तारी तो नहीं हुई है ना? गिरफ्तारी कब होगी? वो रेजिग्नेशन कब देंगे? इसके लिए क्या वो अब आए यहाँ पे उनकी आरती उतारे कि भैया गिरफ्तारी दे दो? कोई उनके लिए मुहूर्त निकाले कि इस दिन बहुत अच्छा दिन है, उस दिन पे आओ और आप अपना गिरफ्तारी दे दीजिएगा। नहीं ना, उन्होंने जो अपराध किए, जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, कुछ सोच समझ कर नहीं लगे ना? उन्होंने क्या सोच समझ कर जुर्म नहीं किया था ना? हमने कोई साजिश तो नहीं की है? और ये महिला रेसलर्स है, कोई आम इंसान नहीं है कि पैसे में बिक जाएंगे, किसी के पार्टी को आके सपोर्ट करोगे। हाँ, तो मेरा कहना है कि जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ये बिके हुए लोग हैं, तो मैं कहता हूँ क्या उनके माँ बहनों को पैसा कोई देगा तो वो अपने माँ बहनों को ला के अपनी इज्जत उतरवाएंगे यहाँ पे? क्या खुद के ऊपर लेंगे ये इंजाम कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है? आप समझ सकते हो यौन शोषण का मतलब क्या होता है? कितना घिनौना अपराध है ये, और किसी महिला के मेंटेलिटी पे क्या बिजती होंगी? ये एलिगेशन जो लगा रहे ना, जो जीव जंतु यहाँ पे घूम रहे अराजक तत्व, कि इसे बता रहे कि एजेंडा है, ये कोई एजेंडा नहीं है। हम तो बोल रहे हैं, देश की पहलवान बेटी बोल रही है, आओ भाजपा के मंत्री समर्थन दो। क्यों नहीं आके समर्थन दे रहे हैं यहाँ पे? क्या उनको क्या ब्रिजभूषण है, ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उनकी शरण में जाना है क्या सभी को, जितने भी भाजपा के मंत्री है? हम ब्रिजभूषण शरण का कर रहे हैं, सरकार का नहीं कर रहे। सरकार से तो न्याय मांग रहे हैं, जो सरकार अभी सोई हुई है और वो व्यस्त है चुनाव में, कर्नाटक में व्यस्त है मोदी जी। मन की बात में ना उन्होंने पहलवान की बात करी, ना इन बेटियों के सम्मान की बात की, ना किसान की बात। तो किस कहाँ के प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, वो जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, देश की बेटी के साथ बैठने के लिए समय नहीं है, तो किस काम के वो प्रधानमंत्री है वो? मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी की ही इसमें मतलब जितना भगवा, हमारा जो भगवा है, भगवा हमारा एक हिंदुत्व का प्रतीक है, और इसमें इसे पहन के एक चिमनियानंद हो गए, एक सिंगर जी हो गए, एक ये भूषण जी आ गए, एक कोई भी रेपिस्ट है ना, एक संदीप है, एक हरियाणा से संदीप, और एक ये आ गया नया ब्रिजभूषण है, और विजय जोली और चिन्मयानंद और सिंह और ये सिंगर कुलदीप सिंगर, और एक वो मर्डरिस्ट घूम रहे है वो लखीमपुर खीरी का टैनी, सारे तो घूम रहे खुले, और सबके घर पे ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। भाजपा का कोई मंत्री या उसका विधायक, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई पहुंच रहा? ईडी सीबीआई उनके घर पे क्यों नहीं छापा मार रही? सारे क्या सारे दूध से धुले हुए हैं, और जितने भी पार्टी विपक्ष के लोग हैं सारे वो रेपिस्ट हैं, सारे अपराधी हैं। ये बोलते रहे कि 12 साल अगर गड़बड़ हो रही थी तो बताया क्यों? हाँ, तब तो उन्हें मेडल के लिए आगे नहीं भेजा जाता। अगर वो पहले आ जाती कि हमारे साथ ये चीजें हो रही है, तब तो उन्हें आगे नहीं खेलने दिया जाता। अगर वो देश का नाम रोशन करके आई है, बेटियां तिरंगा लहरा के आई है, मेडल लेके आई है, तो वो आई है देश की बेटी। और अब जो 56 इंच के जो हमारे छाती जो चौड़े करके फुलाने वाले देश के प्रधानमंत्री, उनको इनके पक्ष में आना चाहिए सबसे पहले, तो उनको आना चाहिए। किनको? उनको डेल घर पे, वो घर पे, यहाँ पे आने में क्या हो रहा है? यहाँ पे आने में क्या रहा है? घर पे जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मीडिया है, जनता है, सवाल पूछेगी, जवाब नहीं होगा उनके पास, क्योंकि वो जनवरी में भी बैठी थी, जनवरी में उन्होंने बोला था ना कि हम आपकी यहाँ पे सांत्वना दे रहे हैं, क्या आप यहाँ पे ख़त्म करो ये आंदोलन,
और उनकी गिरफ्तारी होगी, कमेटी बनेगी, तो कहाँ है जनवरी से लेकर अभी अप्रैल में इन्होंने दोबारा से धरना दिया। सर ये एक चीज बताइएगा, जो ये हमारे विदेश से मेडल जो तिरंगा जिन्होंने विदेश में फहराया, विश्व में फहराया, उनके साथ उन्हें धरने पे बैठना, उन्हें फुटपाथ पे बैठना पड़ रहा है, तो छोटा जनता आम नागरिक के साथ होगा, उसके साथ कैसे अन्याय मिलेगा? इससे गंदे दिन नहीं आ सकते हैं इस देश के, मैं आपसे कहता हूँ। जो ये तानाशाह बैठे हैं, ये अपनी सरकार चला रहे हैं, 56 इंच मैं कहता हूँ, इनके 6 इंच कहाँ है लोग? ये क्या चल रहा है? ये क्या जांच की नहीं है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई फिर सुप्रीम कोर्ट है? हाँ सुप्रीम, और ये बताओ सुप्रीम कोर्ट है, एक FIR लिखवाने के बाद हमें देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा, या इसके लिए पुलिस प्रशासन बैठी है, उन्होंने क्यों नहीं FIR करी? इसको देख लीजिए आप, निर्भया केस को देख लीजिए आप, किसी भी केस को देख लीजिए आप, ये अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इन्होंने ये निकाला था, इनका कहने का ये मतलब था कि बेटी बचाओ बीजेपी वालों से बचाओ, इन्होंने ये नारा इसलिए दिया था क्योंकि सब बीजेपी के फ्रॉड लोग, सारे के सारे रेप करने वाले सिर्फ बीजेपी के सांसद और बीजेपी के MLA निकलते हैं अधिकतर। क्या कह रहे हैं? अरे ये विश्व गुरु का सर्टिफिकेट बांटता कौन है? मुझे पहले ये बताओ, सबसे बड़ी बात, ये विश्व गुरु है, ये कौन से कॉलेज में इसकी एग्जाम देनी पड़ती है ये तो हमें बताओ। हमारे पास बहुत छात्र नहीं, हमारे पास बहुत सारे काबिल युवा है जो ये एग्जाम दे सकते हैं, ये इसकी डिग्री कहाँ मिलती है? आपने कहीं सुना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी? उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है जो विश्व गुरु आपने नहीं, विश्व गुरु के नाम पे आपने कहीं सुना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विश्व गुरु की डिग्री छापना स्टार्ट कर दी, या महाराष्ट्र में छापी जा रही है, या उत्तर प्रदेश में? ये तो इनका मनगढ़ंत खुद का एक टर्म है विश्व गुरु का। विश्व गुरु नाम की कोई डिग्री नहीं है, ना कोई यूनिवर्सिटी बांट रही है, ये तो अनपढ़ लोग है, चौथी फेल है, तो इन्हें डिग्री का मतलब क्या समझेगा? एक बात बताइए, आज कांड, निर्भया कांड, ये सारे कांड ही तो हो रहे हैं। टैनी जितने 8 किसान राउंड दिए थे, और आज वो खुलेआम कब तक चलेगा कानून? और दूसरों के लिए कानून, एक बात बताइए, जैसे बोले कि ये देश तानाशाह में कहां जा रहा है, तो अरे क्यों नहीं जा रहा है? मुझे एक बात बताइए, देश में कौन से जिसमें लिखा है कि बेटियों का अंतिम संस्कार रात को 2 बजे किया जाए? कहीं आज तक के कभी मैंने नहीं देखा, मैंने आपका आते हम खामोश से, तो आपका आते सारी मीडिया रात के 2 भाई हम तो दिखा रहे थे। सुनो रात के 2 बजे मीडिया कहाँ थी जब वहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा था? तो देश की मीडिया कहाँ थी? 500 फीट की दूरी पे था। कहाँ पे थे? हाँ तो जब अभी आप उसको आंदोलन को, इस आंदोलन को उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं तो विश्व गुरु क्यों बना रहे हैं? उसे विश्व गुरु क्यों बना रहे हैं? हम जब भी थे, ये देश का दुर्भाग्य है जो हमारी बेटियां यहाँ आई है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। और बात रह गई कुटाई की ना, तो ये डर रहे हैं कि यहाँ दिन पे दिन तादाद बढ़ती जा रही है, उसी लिए इन्होंने पुलिस वालों को बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये दिल्ली पुलिस है ना, उनके अंतर्गत आती है, तो उनका कहना ये है कि पहले ये भीड़ को कम किया जाए, ये किसी भी हालत में इस मोर्चे को रोका जाए। सुनो चलो ठीक है, उसका मेडिकल करवा दिया, उसका सब कुछ करवा दिया, और जो साक्षी थी, साक्षी जोशी महिला पत्रकार, उसके घुटने से ऊपर की उसकी पैंट फटी हुई थी, रात को 1:30 बजे दिल्ली पुलिस वालों ने उसको सुनसान रोड पे छोड़ दिया, उसके साथ कुछ हो जाता तो उसके लिए क्यों नहीं कोई आता बोलने के लिए? साक्षी जोशी महिला पत्रकार के साथ कुछ हो जाता रात को तो क्या होता? यहाँ पे हमारे महिला, जितने भी महिला पहलवान हैं, वो सिर्फ यहाँ पे मैट्रेस उनके गीले हो गए थे, तो फोल्डिंग लेके आई थी चारपाई, और उनको इन्होंने अंदर नहीं रखने दिया। रात को 1:30 बजे गृह मंत्रालय से ऑर्डर आता है, अमित शाह कहते हैं जाओ बेटा आपको आशीर्वाद है, आंदोलन भंग कर दो। रात को 11:30 बजे के आसपास बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो पुलिस वाले हैं खुद से तो आंदोलन भंग करने आए नहीं थे, उनको जब ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तभी यहाँ पे आके इतने बड़े तादाद में खड़े हैं ना, वरना इनको अगर ऑर्डर नहीं मिलेगा यहाँ ड्यूटी करने का तो पूरे दिल्ली में काफी जगह है, इतने पुलिस की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं थी, इतनी पुलिस क्यों खड़ी है? आपने कभी देखे हो कि किसी बैंक के आगे कहीं और काम धंधे नहीं है पुलिस वाले पास, या इतने जो फोर्स है इतनी टोटल? अभी डेली यहाँ पे फोन चोरी होते हैं, कुछ भी होते हैं, क्या उनके FIR ये दर्ज कर लेते पुलिस वाले? सड़क पे इतने हादसे हो रहे हैं,
एफआईआर दर्ज हो गई है। सुनो सुनो, एफआईआर दर्ज कब हुई है? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एफआईआर दर्ज हो गई है तो एफआईआर ही अपने आप दर्ज नहीं हुई है, उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ा है, यहाँ पे धरना देना पड़ा है। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई करिएगा, उसे गिरफ्तार करो ना, उसे कागज पे लिखने से मैं एक बात बताओ आज कागज पे लिख दिया जाए कि ब्रिजभूषण सिंह को फांसी दे दी गई, इसका मतलब मर गया, हो गई फांसी? नहीं ना, उसे गिरफ्तार करो, उसे कहो कि वो इस्तीफा दे, उसके बाद हम माने ना कि तो कानूनी प्रक्रिया क्या चल रही है भैया, हमें भी तो बताओ, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है। हमारा जिसने केस किया है उनका भी तो हक है जानने का कि अभी तक के प्रोसेस कहां तक पहुंची है। बयान है कि अब खिलाड़ी धरना खत्म कर दें और कर देंगे, धरना खत्म कर देंगे, इनको रिजाइन, इनको बोलो अपना रिजाइन, पहले तो रिजाइन अपना दे दें और गिरफ्तारी दे दे, रिजाइन हो जाएगा। जब एक बंदा बोलता है, एक बंदे ने सिर्फ बयान ही दिया था कि मोदी चोर है। उसकी तो सांसदी रद्द करवा दी, उससे उसका घर छीन लिया और इसके ऊपर पोस्को लग गई, तमाम धाराएं पहले से 38 धाराएं चल रही हैं, 302 जैसी चल रही हैं, महिलाएं देश की गोल्ड मेडलिस्ट बैठी हुई है और अब उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, ना उनसे सांसदी छीनी जा रही, ना उनसे दिल्ली का घर छोड़ा जा रहा, और उनको और बल्कि चौड़े में अंधभक्त बोलते हैं कि ये बाहुबली नेता है, ब्रजभूषण बाहुबली नेता है, कहे के बाहुबली नेता है, वो भगवान है क्या वो, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए उनके पास जाना पड़ता है, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है एफआईआर के लिए।